नीतीश कुमार किए वो नहीं किए हैं, यहाँ तेजस्वी किए हैं। यहाँ तेजस्वी चाहिए, लेकिन अभी तो मोदी नीतीश को लेकर के बैठा। नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने प्रोत्साहन राशि का लालच दिया, साइकिल का लालच दिया और ड्रेस का लालच दिया, कंप्यूटर का लालच दिया, जिससे कि हमारी बहनें आज खुलियाम शिक्षा लेकर उच्च पद पे कार्यरत हैं। वाले में वो तो मोदी की गारंटी पूरे देश पूरे वर्ल्ड में चल रही है, एकदम मोदी चाहिए। बिहार के जनता क्या है पता कि बिहार के बारे में क्या होना चाहिए, बिहार के लोग सोचे कहा यूपी के बारे में सोचा कि यूपी में राम मंदिर बन गया, बिहार के लोग क्या सोचेगा कि चेन्नई में इतना कंपनी है, कई बिहार के लोग बिहार के बारे में सोचते हैं नहीं सोचते हैं। मोदी की सरकार आएगी 100% और इस बार 400 प्लस में रहेगी। तब ना धर्म, जब लोग के पास रोजगार ही नहीं रहेगा धर्म क्या चाय डालिएगा, जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो भूखे रहिएगा, धर्म से काम चल जाएगा, भूखा रहकर जीवन बचा लीजिएगा। 24 में राहुल या मोदी? मोदी रहेंगे, मोदी चाहिए। बहुत काम किए हैं किए हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार किए वो नहीं किए हैं, यहाँ तेजस्वी किए हैं। यहाँ तेजस्वी चाहिए, लेकिन अभी तो मोदी नीतीश को लेकर के बैठे हुए हैं। उससे क्या काम होगा तेजस्वी यादव से? अभी युवा है, किसे चाहिए? तेजस्वी यादव चाहिए जी, बिल्कुल। जो परिवर्तन लाएगा वही आएगा, ये हम नहीं, ये हमारे बिहार का 13 करोड़ जनता तय करेगा कि 25 में बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। और रहा बात नीतीश कुमार जी की, तो आप सबको एक बात पता होना चाहिए कि आज लोग जातिवाद में बह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं देख रहा है कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया। अभी एक भैया अभी बोलकर गए थे रोजगार के बारे में, तो रोजगार को गोली मारिए। आज हम बात करेंगे अपनी बहन के बारे में, यानी कि आपके बारे में। आपको पता है कि आज से 10-15 साल पहले हमारे घर की बेटी और बहनें घर से बाहर नहीं निकलती थी, पढ़ने नहीं जाती थी। लोग कहते थे अरे बेटी है पढ़ा कर क्या होगा, घर में आखिर चूल्हा ही तो फूकना है। लेकिन नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने प्रोत्साहन राशि का लालच दिया, साइकिल का लालच दिया और ड्रेस का लालच दिया, कंप्यूटर का लालच दिया, जिससे कि हमारी बहनें आज खुलियाम शिक्षा लेकर उच्च पद पे कार्यरत हैं। आप जैसी बहनें हमारी शिक्षित हैं, तभी तो माइक लेकर यहाँ पे इतने लोगों के बीच खड़ी हैं। जो सच्चाई हम सच्चाई बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, चूना लगेगा। और आज यहाँ पे नीतीश कुमार जी की बुराइयाँ हो रही है। यही नीतीश कुमार जी विधानसभा में जो एक विवादित बयान दिए थे, विवादित अभद्र बयान दिए थे, उस समय जब हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाए थे तो लोग कह रहे थे अरे वो तो जनसंख्या वृद्धि समझाए थे यही लोग। और आज अगर वो NDA में चले गए तो वो दुनिया के सबसे बुरे हो गए हैं। तो राजनीति का यही खेल है, जो समर्थक होते हैं उनका समर्थन देंगे और जो विरोधी होंगे वो उनका आलोचना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो परिवर्तन करना है या फिर गद्दी पे उन्हें बैठना है? क्या कौन से चुनाव का बात कर रहे हैं आप? 24 वाले में वो तो मोदी की गारंटी पूरे देश पूरे वर्ल्ड में चल रही है, मोदी चाहिए, एकदम मोदी चाहिए। मोदी की क्या क्या काम किया? क्या मोदी जी का काम गिनिएगा। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, देश में सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा टनल, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक पुल, ठीक है, 13 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 8 करोड़ से ज्यादा ये क्या कहते हैं MSME मुद्रा लोन से रोजगार मिला है युवाओं को, ठीक है, वंदे भारत। अरे तो रोजगार नौकरी नहीं रोजगार बोले हैं, पूरा देख करके आइए भैया, यही चीज नौकरी बोले हैं, दिखाइए तो जो कहिएगा वही रोजगार बोले हैं। और मुद्रा लोन क्या बोल रहे हैं बोलिए ना, जरा जोर से बोलिए। वंदे भारत जोड़ा रहे हैं, जब कोरोना था तो कहाँ वंदे भारत बुलेट ट्रेन गया था बताइए, जितना मजदूर जितना गरीब था बेचारा 3500-3800 किलोमीटर से पैदल आता था, उस टाइम पे पैसेंजर ही अब चला देते ना, बुलेट ट्रेन नहीं चलाते, अब पैसेंजर ही चला देते, तो उस टाइम आपका बुलेट ट्रेन कहाँ गया था वो वंदे भारत बताइए। आप एक वो बात बताइए, पेट्रोल तो डालते हैं होंडा में भी, बुलेट से काहे नहीं चलते हैं, होंडा से काहे चलते हैं? ठीक हमको बुलेट रहेगा वंदे भारत नहीं चाहिए, हमको चाहिए था उस टाइम पैसेंजर ही चाहिए था, 4 दिन के जगह 5 दिन पर मजदूर पहुंचता, लेकिन ट्रेन से आता, लेकिन फिर भी देख रहे थे बच्चा ले लेके गरीब आदमी मजदूर आदमी पैदल आ रहा था 3500 किलोमीटर 4000 किलोमीटर से, उस टाइम ट्रेन कहाँ गया था बताइए ना। जनरल चलाता, कोरोना का गाइडलाइन नहीं पड़े थे जनरल में, क्या हालत होता है, कोरोना बढ़ता है, कोरोना वृद्धि होता है, फिर वही बात जनरल कोरोना का गाइडलाइन पढ़िए। कोरोना में चुनाव हो सकता है,
क्या बोले? कोरोना में चुनाव हो सकता है और पता ट्रेन नहीं चल सकता है। बताओ ना कैसे हो रहा था, कैसे हो रहा था? एक एक आदमी गया था क्या रैली में? एक एक आदमी गया था रैली में? सोशल डिस्टेंसिंग था। अरे हमको क्यों सिखा रहा सोशल डिस्टेंसिंग? पूरा भारत लोग था। गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। देखिए हम सपोर्ट, देखिए मेरा पास है, मेरा पास है, मेरा पास सुनिए, हम सपोर्ट करते हैं नरेंद्र मोदी। अरे भाई हम सपोर्ट नरेंद्र मोदी का ही करते हैं। अरे भाई हम सपोर्ट नरेंद्र मोदी के ही करते हैं, लेकिन कुछ बुराई किए हैं वो भी हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हाँ आप गलत किए हैं। ये नहीं कि आप हम नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं तब सही, गलत किए हैं तो उसको भी हम सही कहेंगे। नहीं, आप गलत किए हैं तो गलत किए हैं बस। बिहार के लिए भी कुछ नहीं किया है, बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। बिहार के जनता क्या है पता कि बिहार के बारे में क्या होना चाहिए? जे बिहार के लोग सोचेगा कहा यूपी के बारे में सोचा कि यूपी में राम मंदिर बन गया। बिहार के लोग क्या सोचेगा कि चेन्नई में इतना कंपनी है? कई बिहार के लोग बिहार के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जाति धर्म में बट कर वोट दे देते हैं। विकास के नाम पर कोई वोट देता है? विकास के नाम पर कोई नहीं वोट देगा। यादव है तो तेजस्वी जी के देगा, हम ब्राह्मण है तो हम बीजेपी के देंगे, ऐसा थोड़ा होगा। विकास के नाम पर तो जिस दिन वोट होगा ना उस दिन मेरा देश, उस दिन मेरा बिहार बहुत आगे जाएगा। समझें, जातिवाद पर वोट नहीं होना चाहिए। मोदी जी जातिवाद? अरे अब सबका सबका इनका मोदी जी जातिवाद नहीं। आप बताइए, धर्मवाद पे आया था 14 में योगी जी, यूपी का क्या डेवलपमेंट है जरा वो भी बता दीजिए आप। यूपी के डेवलपमेंट के बारे में कुछ बोलिए आप, बोले ना जातिवाद। हम बिहार के हैं। अरे भाई हम क्या बोल रहे हैं, हम बिहार इंडिया बताऊंगा, हम बिहार के हैं, हम यूपी के बात क्यों करें भाई? अभी तो आप ही बोले थे यूपी में राम मंदिर मुद्दा है। देखिए यही है, जब अपने पे आता है, जब अपने पे, अरे सुन लीजिए, जब अपने पे आता, अरे कौन सी काम करते हैं आप, कौन सी अंधभक्त वर्ड यूज करते हैं? पहले ये लोग तो शांत हो जाए, आप क्या जानना चाहते हैं? योगी की सरकार, मोदी की सरकार आएगी 100% और इस बार 400 प्लस में रहेगी। 400 पार। ये आप जान लीजिए, हम भी पहले बोल चुके हैं, हमारी बात को आप सुन लीजिए। क्योंकि मैं ऑल इंडिया घूम रहा हूँ, चेन्नई रामेश्वरम चल के गंगा सागर तक सकल घूम रहा हूँ, और सकल का सर्वे हमारे पास है। चेन्नई में केवल सीट मोदी जी का है, चेन्नई में चार सीट आएगी उनकी। देखिए क्या सीट का सरकार गवर्नमेंट, वहाँ चार सीट आएगी, वहाँ ज्यादा सीट, एक सीट चेन्नई में नहीं आ रहा, फॉलो चार सीट आ रही है चेन्नई में। एक मिनट महाराज, चेन्नई में एक मिनट, तमिलनाडु सुनिए, एक मिनट, चेन्नई अलग है, तेलंगाना देखिए, तेलंगाना तमिलनाडु और आंध्रा, 400 पार का आंकड़ा सुन लीजिए अब। अरे 400 पार नहीं होगा, 400 पार ले आवे या 800 पार ले आए, ठीक ना? 400 पार ले आए, 800 पार ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के बारे में कौन सोचता है वो फर्क पड़ेगा, समझे? बिहार के बारे में कौन सोचता है? चिराग पासवान हो, नरेंद्र मोदी हो, गिरिराज सिंह हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, कोई भी नेता हो, बिहार के बारे में कौन सोचता है? उसको वोट देगा ना, तभी ना बिहार आगे बढ़ेगा। बताइए, 400 पार करवाने के लिए सोच रहे हैं, परिवर्तन का बात कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, इस बार नहीं होने वाला, इस साल नहीं होने वाला है। बिहार पहला विकास के नाम पे वोट दिए थे ना, इस बार धर्म के नाम पे वोट देंगे। और बिहार डेवलप होगा, जैसे यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी की आई थी, गुजरात में मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, जिस दिन बिहार में चिराग पासवान बनाएंगे एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार, उस दिन बिहार भी आगे बढ़ेगा। धर्म या विकास? नहीं नहीं, दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। जहाँ धर्म और विकास होता है, बिना धर्म का विकास होता है? आज साउथ इंडिया का तरक्की इकोनॉमी देख लीजिए, टोटल का टोटल मंदिर पे टिका हुआ है। आप कहते हैं कि नहीं धर्म विकास? धर्म बहुत जरूरी है, धर्म बहुत जरूरी है। परिवर्तन लाना है, परिवर्तन कहाँ से आएगा? लोग क्या, एक मिनट रुके, नहीं हल्ला कर रहा है, लोग सीधा तो बोल रहा है कि धर्म चाहिए, धर्म चाहिए। अरे पहले जब विकास होगा तब ना धर्म, जब लोग के पास रोजगार ही नहीं रहेगा, धर्म क्या चाहे डाली है, जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो भूखे रहिएगा, धर्म से काम चल जाएगा, भूखा रहकर जीवन बचा लीजिएगा। पहले यहाँ पर रोजगार चाहिए लोगों को, 17 साल से नहीं दीजिए, क्या लोग को रोजगार दे दिए? लोग यहाँ पे हल्ला कर, धर्म चाहिए, बाबा धर्म लिए, बाबा का दाढ़ी बढ़ गया, लो हम लोग भी दाढ़ी बना के बैठ जाए मंदिर में बढ़ा के, क्या दाढ़ी बनाने का विकास हो जाएगा? बाबा का विरोध करने का हक है क्या आपका? बाबा का विरोध करने का हक है? सुनिए आप, सुनिए, तुम शांति से बात करो, तुम शांति से बात करो, सुनिए पहले पहले सुनिए सुनिए सुनिए, आप सरकार से विरोध करिए, आप सरकार का विरोध करिए, बाबा का विरोध आप बात नहीं, बाबा का हम बात कर रहे हैं।
झगड़ा करता हूँ। देखिए मैं।